आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ इशिका गुप्ता। दिल्ली के शिक्षा मंत्री पर लगे आरोप अभी तक नहीं हट पाए हैं। बता दें कि आबकारी नीति को लेकर अभी तक सीबीआई की जांच जारी है और इस जांच में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री यानी कि मनीष सिसोदिया को अभी तक राहत नहीं मिल पाई है। जी हाँ, ऐसा ही अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली शराब नीति मामले में रविवार को पूछताछ के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बुलाया गया था, लेकिन सिसोदिया ने सीबीआई से समय बढ़ाने की मांग की। आपको इसी बीच बता दें कि उनका कहना है कि दिल्ली के वित्त मंत्री होने के नाते उनका बजट तैयार करना बहुत ही जरूरी है। वो फरवरी के अंत तक सीबीआई के कार्यालय जा सकेंगे। इतना ही नहीं, आपको बता दें उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने हमेशा एजेंसियों का सहयोग किया है। इसी बीच आपको बता दें, सूत्रों के अनुसार मनीष सिसोदिया ने बताया है कि उन्हें एक दिन पहले 18 फरवरी को सीबीआई ने शराब नीति की जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा था। इस पर सिसोदिया ने भी सीबीआई से अनुरोध किया कि दिल्ली का वित्त मंत्री होने के नाते इस समय उनके लिए एक एक दिन गंभीर हो गया है, वे दिल्ली के बजट को फाइनल करने में जुट गए हैं। आगे आपको बता दें, सिसोदिया ने आगे कहा कि वो 24 घंटे लगकर दिल्ली का बजट फरवरी के अंत तक तैयार करने में लगे हुए हैं, इसी कारण उन्हें समय नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि केंद्र सरकार के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। आपको बता दें, केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही दिल्ली विधानसभा में बजट पेश हो सकता है और इसी की तैयारी में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लगे हुए हैं। फरवरी का आखिरी हफ्ता होने के कारण एक एक दिन उनके लिए काफी गंभीर है। देखा जाए तो मनीष सिसोदिया हमेशा सीबीआई जांच में सहयोग देते आए हैं, परंतु अब बजट के चलते मनीष सिसोदिया ने वक्त मांगा है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स हमेशा जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।